देवरिया से बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन कंट्रोल रूम का जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीआईजी पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन कंट्रोल रूम में सातों विधानसभा क्षेत्र के 1200 से अधिक पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। वेबकास्टिंग का निरीक्षण करते जिला निर्वाचन अधिकारी देवरिया रुद्रपुर विधानसभा कांग्रेस के अखिलेश सिंह मतदान करने के बाद बीजेपी के मंत्री जयप्रकाश निषाद देवरिया पत्थरदेवा से कृषि मंत्री भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा हमारे साथ रही है और इस बार भी मेरे साथ रहेगी। वोट को लेकर क्या मैसेज, मतदान को लेकर? मतदान के लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मतदान में भाग लें और मतदान में आकर के, और मतदान एक लोकतंत्र के भीतर सबसे बड़ा अधिकार है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए किस तरीके का प्रदेश के भीतर और देश के भीतर शासन होगा वो निर्धारित करता है। ये लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अधिकार, यानी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है, इसके पास सरकार बनाने और हटाने का अधिकार होता है। वो सुशासन और विकास के लिए आकर के वो आज मतदान करे, यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। पत्थरदेवा विधानसभा से सपा के पूर्व मंत्री और विधायक ब्रह्मा शंकर ने किया मतदान। पुराने प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री जी कई बार हराया हूँ, फिर हराऊंगा इस बार। अब मैं समझता हूँ कि 4 बार तो मैं ही हरा हूँ, 5वां बार हराने जा रहा हूँ। पूरी जनता तैयार है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, पुलिस उत्पीड़न से एकदम तबाह हो चुकी है, किसान बेहाल हो चुका है। उसको जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि फसल दुगुना होगा और किसान आज बेहाल हो चुका है, दुगुना का हुआ आधा हो गया है क्योंकि खाद का दाम बढ़ा दिया गया और हमारे उपज का दाम बढ़ाया नहीं गया, इसलिए किसान परेशान हाल है। वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का 336 रुद्रपुर 7.8%, 337 देवरिया 8.6%, 338 पत्थरदेवा 9%, 339 रामपुर कारखाना 8%, 340 भाटपा रानी 8%, 341 सलेमपुर 9%, 342 बरहज 9%। कुल टोटल 9 बजे तक का परसेंटेज 8.4%।